कराची में मॉनसून का पांचवा स्पेल, नॉर्थ नाजमाबाद, लांडी, एफबी एरिया, शालतीफ टाउन, इंडस्ट्रियल एरिया, बिन कासिम और दीगर इलाकों में बारिश, महकमा मौसमियात ने पीर तक बादल बरसने की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग का खदशा, ठट्ठा समेत अंदरूने सिंध भी बारिश, थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने से दो अफराद जां बहक। लाहौर में भी बादल बरस पड़े, बादामी भाग, लारियड्डा और दीगर इलाकों में बारिश, नारोवाल और गिरदोनवा में भी रिमझिम। मुल्तान, भक्कर, बहावल नगर, डीजी खान, राजनपुर, फैसलाबाद में भी बादल बरसेंगे। पिशावर, अहमदाबाद, हरिपुर, मानसहरा, समात, मरदान में भी रिमझिम की तवक्को। सीपीआई का जो ये दोहरा मयार है कि कराची के लिए कुछ और उसूल है, अंदरूने सिंध के लिए कुछ और उसूल है, तो ये दोहरा मयार क्यों? कोई नहीं कहता कि लाहौर को तबाह कर दिया गया है, लाहौर की आवाम को मुश्किलात के भंवर में धकेल दिया गया है। जब हम कहते थे कि बारिश ख़त्म होने के बाद ने निकासी को यकीनी बनाया और पानी को निकाल लिया गया, तो ये उस पर भी तनकीद करते थे कि आपने पानी जमा क्यों होने दिया। लाहौर में वसीम अकरम प्लस की कारकर्दगी है, पीटीआई की कारकर्दगी है कि बेचारा गधा भी पानी में तैर रहा है। कराची की सबको फिक्र है, लाहौर की तबाही का कोई नहीं बताता। बारिश से लाहौर वेनिस बन गया, कराची के मामलात को आफात बना दिया गया। अब तो लाहौर में गधा भी पानी में तैरता दिखाई देता है। सिंध के लिए मैयार और पंजाब के लिए और क्यों? तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगु। हम मिलजुल के एक बहुत बड़ा फैसला करने जा रहे हैं जो कि 15 सितंबर को स्कूल्स को खोलने का है, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट ने लीडरशिप रोल लिया और सारी हुकूमतों ने हमारे साथ तावन किया। 7 तारीख को हम दोबारा एक इंटरप्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की मीटिंग करेंगे और ये मीटिंग करने के बाद हम ये फैसला, हतमी फैसला करेंगे कि स्कूल जो है वो खुल रहे हैं या नहीं खुल रहे। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस तरह हालात चल रहे हैं वो हम स्कूल खोलेंगे। स्कूल 15 सितंबर को खुलेंगे या नहीं, फैसला 7 सितंबर को होगा। वफाक वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है वजारत सेहत स्कूल खोलने से मुतल्लिक एसओपीज पर काम कर रही है। अप्रैल 2021 से तमाम स्कूलों में एक ही निसाब होगा। सुप्रीम कोर्ट का सिंध हुकूमत को 2 माह में सरकारी घर गैर कानूनी मकीनों से खाली कराने का हुक्म। सरकारी रहायशगाहों की गैर कानूनी अलॉटमेंट मंसूख करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। इस्लामाबाद पुलिस 200 क्वार्टर्स पर कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। आज इस्लामाबाद का घर भी गैर कानूनी तौर पर अलॉट हुआ। सीडीए के वकील के दलाल अगली समाअत पर पुलिस का मामला भी देखेंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क। सिंध हुकूमत की माड़ी के बाद सूबे में नए इजला बनाने को तैयार। थरपारकर और खैरपुर में नए इजला बनाए जाएंगे। करारदाद सूबाई असेंबली में पेश होने का इम्कान। कराची में लेडी डॉक्टर महा अली की खुदकुशी का मामला, जायवकुआ से मिलने वाला पिस्तौल 7 नसीर नामी शख्स का निकला। 7 नसीर और डॉक्टर महा का रब्ता कैसे हुआ, कब हुआ, असलहा लेडी डॉक्टर के पास कैसे पहुँचा, तहकीकात का दायरा वसी। महा के करीबी दोस्त का बयान कलमबंद। जुनेद का कहना है कि वो और महा जल्द शादी करने वाले थे। महा का अक्सर अपने वालिदैन से झगड़ा रहता था, रोज उसे अस्पताल छोड़ता और वापस घर भी पहुंचाता। खुदकुशी करने वाले दिन महा ने घर आने से रोक दिया था। इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, एनआरओ नहीं देगा। ये जितने लोग बोल रहे हैं टीवी पे, ये सब वो हैं जिनके नैप में केस हैं। शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। शहबाज शरीफ अपनी जब ताश लगाता है तो वो सारी ताश को बखेर देती है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, और जितने पत्थर आप लोगों ने दिखाए हैं कि वो थैलों में लेके आए, वो सारे पत्थर उसने नैप को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारें।
वजीर रेलवे शेख रशीद की फिर मुखालिफिन पर लफ्जी गोलाबारी, कहते हैं मरियम नवाज ने पत्थर नैब को नहीं शहबाज शरीफ की सियासत को मारे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ की सियासत पर असर अंदाज हो रही है। वजीर आजम इमरान खान किसी को एनआरओ नहीं देंगे, जिनके खिलाफ नैब में केसेस हैं वो ज्यादा बोल रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ 27 अगस्त को एहतसाब अदालत तलब, जज का आइंदा समाअत पर हमजा शहबाज को भी पेश करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से सलमान शहबाज, मुसर शहबाज, राबिया इमरान और जवेरिया अली पर इल्जामात की वजाहत तलब। मौलाना फजल रहमान के भाई जियाउर रहमान को भी नैब का बुलावा आ गया। गैर कानूनी भर्ती और मशीनरी की खरीदो फरोख्त में करप्शन के इल्जाम में 25 अगस्त को नैब पेशावर में पेश होने की हिदायत। जियाउर रहमान की खिदमात गुज़िश्ता माह सिंध से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के सपुर्द की गई थी। नेशनल पार्टी के सरबरा मीर हासिल बजेंजो की मैयत कराची से खुजदार पहुंचा दी गई। 5 बजे आबाई इलाके नाल में नमाज जनाजा अदा की जाएगी। सेनेटर कौमी असेंबली में मीर हासिल बजेंजो के लिए फातह खानी, ताजियती करारदाद मंजूर। पाकिस्तान बेहतरीन सियासतदान और पार्लियामेंटेरियन से महरूम हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, ख्वाजा आसिफ, राजा परवेज अशरफ, रजा रुबानी और दीगर अरकान का इजहार ख्याल। परवेज रशीद बोले, चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में हमारे 14 लोगों ने हासिल बजेंजो से ज्यादती की, इस पर माफी मांगता हूँ। मैं एक माफ़ी का खास्तगार भी हूं उनके लिए, एक शर्मिंदगी का खास्तगार भी हूं अपने मरहूम दोस्त से, कि जब उन्होंने चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में हिस्सा लिया तो मेरी सफ़ों में से, जनाबे वाला मेरी सफ़ों में से 14 लोगों ने उनके साथ धोखा किया। 14 लोगों ने उनके साथ वो कमिटमेंट जो हाउस में खड़े होकर उनके साथ की गई थी उसको खुफिया बैलेट में पूरा नहीं किया। जनाबे वाला, इसके लिए मैं अपने दोस्त से माफी का और शर्मिंदगी का खास्तगार। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से बिजनेसमैन कम्युनिटी के अराकीन की मुलाकात। फरहत सैगल, रोमान सैगल ने कम्युनिटी को दरपेश मसाइल से आगाह किया। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाना चाहिए। मोईशत का पहिया चलेगा तो इकोनॉमी की सूरत हाल बेहतर होगी। मकबूजे कश्मीर की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। भारत के अंदर से मोदी हुकूमत पर तनकीद हो रही है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की 24 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू, कहते हैं चीन हर कड़े वक्त में हमारे साथ खड़ा रहा है। चीनी हुकाम के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात, सीपैक की जल्द तकमील पर बात होगी। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। यकम मुहर्रमुल हराम है। 1400 साल पहले आज के दिन अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गम और इब्तिला के दिन शुरू हुए थे। रोजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से सुर्ख अलम उतार कर स्याह अलम बुलंद कर दिया गया। करबलाए मौला में हजारों अजादार मौजूद। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को डबल सवारी पर पाबंदी। बच्चे, खवातीन, सहाफी, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुस्तस्ना होंगे, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। खलीफा दौइम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत। गजबात हो या खिलाफत, निजाम अदल हो या कुफार से नफरत, पुलिस जेलों का निजाम हो या फौजी छावनियां, बैतुल माल हो या मर्दम शुमारी, ये सब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के ओहद की जेरे यादें हैं। सोना एक बार फिर 2000 रुपए महंगा। 24 कैरात फी तोला कीमत 1,18,500 रुपए का हो गया। अदाकार आतिका ओझो 9 साल बाद 2 बोतल शराब बरामद केस से 22 जदबरी। अदाकारा के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। रावलपिंडी के सिविल जज ने फैसला सुना दिया। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के अस्कुद नोटिस पर अदाकारा के खिलाफ 7 जून 2011 में मुकदमा दर्ज हुआ।
अधिका ओझो ने 210 पेशियां भुगती, 16 बार मुकदमे के जज तब्दील हुए। एसोसिएशन से ऑडिट मांगा तो ऑडिट नहीं हो सकता, कोई क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह अभी चल रहा है वहां तो एक इंडिविजुअल चला रहा है, वो तो नहीं चल सकेगा ना, वो तो अभी आगे चल ही नहीं सकता। सिस्टम जो अभी चल रहा है, एक इंडिविजुअल है, बाकी उसके दोस्त हैं जिन्होंने बाहर जाना होता है वो उसकी मिन्नतें करते हैं, ठीक है। अभी जो लास्ट टाइम हमारे साथ हमारे असिस्टेंट कोच थे या मैनेजर, अभी लाहौर गए, अभी नाम नहीं लेता मैं उनका, उनको लेके इसलिए गए थे कि वो कभी इंग्लैंड गए नहीं और उनकी बहन उधर होती है। पाकिस्तान डिसेबल क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान ने क्रिकेट करप्शन की नई कहानी खोल दी। हसनैन आलम का कहना है कि एक फर्द एसोसिएशन चला रहा है, बाकी सब उसके दोस्त हैं। बैरून मुल्क टूर पर जाने वाले उसकी मिन्नत करते हैं। इंग्लैंड में बहन को मिलने के लिए असिस्टेंट कोच को साथ ले जाया गया।